याद रखो कब्र तुम्हारी न जाने तुम्हें नसीब हो ना हो, काफिरों का रास्ता बंद करते मुझे दुख ना होता कि काफिर जा रहे हैं, मुसलमानों का रास्ता बंद कर रहे हो कि मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सर झुका ले। क्या करोगे इस जमीन को, कहां से लेके आए थे ये जमीन को? ये जमीन वो ही है जिस जमीन के ऊपर शुरू से मुसलमान खुले रास्ते फिराया करते थे, गाड़ी का सामान यहाँ पे सामने उतरा करता था, और आज तुम्हारे दिलों के अंदर इतनी हवस आ गई कि बंदूक का गुजरना जो है मुश्किल हो गया, रास्ते बंद कर दिए। कब्र को याद रखो, ये पैगाम है तुम्हारे, मैं तुम्हें काफी सता किसका हिंदुओं के साथ करूँ खुशी, काफर है उसके साथ करूँ मार जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। तुम्हारे साथ क्या लड़ाई करेंगे, एक पैगाम देना चाहता हूँ, कोशिश करो। मैंने कहा फरूसा भी बैठे हुए हैं, किसी मंदिर में को कहा था तो कहने लगे कि आप कोशिश करेंगे काम करो, यानी कि आप कोशिश करेंगे। एक फकीर है, मुस्किन है, कोई खानदानी हमारा नस्ब नस्ब नहीं, कोई बरादरी नहीं, एक ही बरादरी हजरत मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह ताला कुफर से निकल के मुसलमान हुए, उस जामिया मस्जिद को संभाला था और इस ईदगाह को संभाला था, हम पैदा दे रहे। कोशिश करो इन लोगों को समझाओ, अल्लाह के बंदो अल्लाह की मखलूक में आना है अपने रब को याद करने के लिए। ये जमीन वही है जहां से तुम पीछे से आए थे, इसी जमीन के ऊपर आए और आप रास्ते में मकान बना रहे, दुकान बना रहे, किसी मुसलमान यहाँ पे अल्लाह जाने को अपने रब के हजूर ये जमीन याद झुका ना सके, इसलिए रास्ते रोकते हो कि मुस्तफा काली करने वाले आकर सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले ये कष्ट रात से लोग ये दूर दराज से लोग आते हैं तो रुकावटें मारते हो। याद रखो अपने कपड़ों में तुम्हें इजहार करना, आज तुम्हें कह रहा हूँ अखलाक और प्यार के साथ, इसके बाद जो दूसरा बयान देना है वो बड़ा सख्त होगा।